हेलो दोस्तों, मैं स्वप्निल रेगे और ISO 9001 2015 की सीरीज में आज हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 8.5.4 प्रिजर्वेशन और उसके बाद क्लॉज नंबर 8.5.5 पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज़ की। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्लॉज 8.5.1 प्रिजर्वेशन से। तो देखिए दोस्तों, प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं ये समझने की कोशिश करूँ कि प्रिजर्वेशन होता क्या है, तो सिंपल सा एक प्रिजर्वेशन का मतलब है कि जिस तरह की चीज़ है, जिस कंडीशन में कोई चीज़ है, वो वैसी ही बनी रहे। इसके लिए मैं जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करता हूँ वो प्रिजर्वेशन की एक्टिविटी कहलाती है। यानी मान लीजिए मैं बाज़ार से सब्जी लेकर आता हूँ और मैं चाहता हूँ कि बड़ी ताज़ी सब्जियाँ मैं लेकर आया हूँ, बड़े फ्रेश वेजिटेबल्स में लेकर आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये 2 से 3 दिन तक ख़त्म होंगे। मैं एक दिन में ना ख़त्म नहीं कर सकता, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये इसी कंडीशन में बने रहें, ये बिल्कुल ताज़ा बने रहें। तो इसके लिए मैं इन सभी वेजिटेबल्स को, इन सभी सब्जियों को रेफ्रिजरेटर में रख देता हूँ। और ये रेफ्रिजरेटर में मैंने इसलिए रखा ताकि ये सब्जियां एज इट इज़ बनी रहें, जैसी कंडीशन इनकी अभी है वैसी ही कंडीशन में ये बनी रहें। तो ये जो एक्टिविटी मैंने परफॉर्म करी, ये प्रिजर्वेशन की एक्टिविटी कहलाती है, ये एक्टिविटी प्रिजर्वेशन कहलाती है। और ये जो काम मैंने किया, ये प्रिजर्व करना कहलाता है, इसे कहते हैं हम प्रिजर्व करना। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी मटेरियल, कोई भी सर्विस जिस कंडीशन में है वो उसी कंडीशन में बनी रहे, इसके लिए हम जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो प्रिजर्वेशन कहलाती है। ठीक है, इसे अगर हम सिंपली समझने की कोशिश करें कि स्टैंडर्ड इस क्लॉज के जरिए प्रिजर्वेशन के बारे में क्या कहता है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड आपसे ये चाहता है कि आपने कोई भी प्रोसेस करी, आपने एक प्रोसेस परफॉर्म करी और उस प्रोसेस की वजह से आपको कुछ आउटपुट मिला। अब ये जो आउटपुट है, ये या तो प्रोडक्ट के रूप में हो सकता है या सर्विसेज के रूप में हो सकता है। अब स्टैंडर्ड ये कहता है, ये क्लॉज ये कहता है कि इस आउटपुट को आप प्रिजर्व करें, इस आउटपुट को आपको प्रिजर्व करना है, इस आउटपुट को जो जिस कंडीशन में आपको मिला है उसी कंडीशन में इसको बनाए रखना है। ये इस क्लॉज के जरिए आपसे बात कही गई है। अब सोचने वाली बात ये है कि ऐसा क्यों कहा गया है कि जिस कंडीशन में आउटपुट मिला है वो उसी कंडीशन में बना रहे, क्यों प्रिजर्वेशन की एक्टिविटी परफॉर्म करने की बात कही गई है? तो इस चीज़ को समझिए। देखिए, कई चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आप समझें, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी खत्म हो जाती हैं। एक समय ऐसा आता है लाइफ, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी खत्म हो जाती हैं। किसी को महीने लगते हैं, किसी को मंथ लगते हैं, किसी को डेज लगते हैं, किसी को ईयर लगते हैं और किसी को सदियां लग जाती हैं। कोई सदियों तक रहेगा, लेकिन एक समय ऐसा ज़रूर आएगा जब वो खत्म हो जाएगा। सिवाय एक ऐसी चीज़ है जो ख़त्म नहीं होती है, वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक नेचुरली ख़त्म नहीं होता, प्लास्टिक को आपको ख़त्म करना पड़ता है, वो नेचुरली ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे व्यक्ति हो, मनुष्य हो, जानवर हो, सभी ख़त्म होते हैं। चट्टान हो, पहाड़ हो, जो कुछ भी है, नदी है, पानी है, बर्फ़ है, सभी कुछ ख़त्म जरूर होता है, लेकिन सिर्फ एक प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जो ख़त्म नहीं होती। तो अगर कोई भी मटेरियल आप बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हैं या कोई भी सर्विस आप दे रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल है कि वो उसी फॉर्म में बनी रहे। तो आपसे ये स्टैंडर्ड कह रहा है कि जिस कंडीशन में आपसे वो आउटपुट मांगा गया था उस कंडीशन में आप उसे बनाकर रखें। इस चीज़ को समझिए। अगर मान लीजिए कोई मटेरियल मैं बना रहा हूँ और वो मेटल का बना हुआ है, मेटल से मैंने कोई मटेरियल बनाया है, कस्टमर ने मुझे जो प्रोडक्ट बनाने के लिए दिया है वो किसी मेटल से बनता है, अब इस चीज़ की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसमें रस्ट लग जाए। कस्टमर ने साफ साफ कहा हुआ है अपनी रिक्वायरमेंट में, उसने साफ साफ कह दिया है कि रस्ट नहीं लगना चाहिए इस मटेरियल में, और इस मटेरियल को रस्ट से बचाने के लिए आप कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करिए। तो ये जो एक्टिविटी होगी, प्रिजर्वेशन की एक्टिविटी होगी। इसके लिए हो सकता है कि हम उसके ऊपर कोटिंग कर दें। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आपको प्रिजर्वेशन करना है, आपको प्रिजर्वेशन का ध्यान रखना है, आपको प्रिजर्वेशन की एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। अब अगली चीज़ जो यहाँ से निकल के आती है कि वो क्या क्या मेथड्स हो सकती है, या मैं प्रिजर्वेशन में किन किन चीज़ों को इंक्लूड कर सकता हूँ, वो क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती है, कि वो क्या क्या तरीके हो सकते हैं, वो क्या क्या मेथड हो सकती है जिनके जरिए प्रिजर्वेशन किया जा सकता है। तो एक तरीका तो हो सकता है आइडेंटिफिकेशन, कि हम आइडेंटिटी मार्क लगा दें, आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा दें, आइडेंटिफिकेशन का एक सिस्टम डेवलप करें। जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं जहाँ पर काम करता था, जॉब करता था, वहाँ पर एक दो प्रोडक्ट बनते थे, दो पार्ट बनते थे, प्रोडक्ट तो सेम ही था, उनमें सिर्फ एक कितना सा फ़र्क था कि एक जो पार्ट था वो बिल्कुल सिंपल था, सीधा था, और एक जो दूसरा पार्ट था वो मुश्किल से उसमें
एक से दो डिग्री का सिर्फ एक बैंड आता था। आप अगर उन दोनों को साथ साथ रख दे तो पहचान पाना बड़ा मुश्किल होता था कि ये एक ही पार्ट है या दो अलग अलग पार्ट है। अब ऐसी कंडीशन में कहीं मिक्सिंग ना हो जाए, अगर ये दोनों पार्ट मिक्स हो जाएंगे तो क्या प्रिजर्वेशन हो पाएगा? तो जैसे फॉर्म में है उस फॉर्म में तो फिर वो बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पर बड़ा जरूरी है कि आप उन्हें आइडेंटिफाई कर दें। तो आइडेंटिफिकेशन एक मेथड है, एक तरीका है जो प्रिजर्वेशन में इंक्लूड होता है। इसके अलावा आप हैंडलिंग कर सकते हैं, जैसे हमने बात करी अभी कि आप कोटिंग करते हैं मेटल का जो पीस है उसके ऊपर कोटिंग कर दी जाए, तो कहीं ना कहीं आपने हैंडलिंग करी, उसे बचाने की कोशिश करी। आप कोई तरीका अपना सकते हैं जिसके थ्रू आप उन चीज़ों को हैंडल करें कि वो गिरने से बचाए, आप उन्हें टूटने फूटने से बचाए, वियर टियर से बचाए। तो ये हैंडलिंग एक प्रोसेस हो सकती है जो कि इंक्लूड होगी प्रिजर्वेशन में। इसके अलावा आप ट्रांसपोर्ट जो होता है, ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ट्रांसपोर्ट जो किया जाता है उसके जरिए भी आप प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें प्रोटेक्शन दे सकते हैं। मान लीजिए कोई आपका प्रोडक्ट है जो आउटपुट आपको मिला है, उसे आप बचाने के लिए आप उसके ऊपर हो सकता है प्लास्टिक का कवर चढ़ाएं या किसी तरह से आप उसे प्रोटेक्ट करें, उसे प्रोटेक्शन दें। तो ये प्रोटेक्शन के जरिए भी आप प्रिजर्वेशन का ही काम करते हैं। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं ये इंक्लूड होती है प्रिजर्वेशन में। और स्टैंडर्ड इस क्लॉज में आपसे ये कहता है कि आपको अपना जो आउटपुट आपको मिला है, आपकी प्रोसेस के जरिए जो भी आपको आउटपुट मिला है, सर्विस का हो या प्रोडक्ट का हो, उसको प्रिजर्व करना है, उसके प्रिजर्वेशन की आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। सर्विस के मामले में ऐसा हो सकता है कि आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं, आपका कस्टमर ये चाहता है कि वो कहीं डिस्क्लोज ना हो जाए। आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कोई ऐसी चीज तैयार करके अपने कस्टमर को दी, आप उसे प्रिजर्व करिए। सर्विस के मामले में भी ये चीज़ आ सकती है। तो प्रिजर्वेशन के क्लॉज में स्टैंडर्ड आपसे ये कहता है। अगली चीज़ जो है, अगला क्लॉज 8.5.5, और वो है पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी। अब हम उसे देखते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 8.5.5 पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी की। देखिए दोस्तों, दो शब्द हैं जो आपने बड़े अच्छे से सुने होंगे, एक है प्रीपेड और एक है पोस्टपेड। अब ये प्रीपेड और पोस्टपेड होता क्या है? देखिए प्रीपेड बेसिकली इसमें ऐसा होता है कि आप पहले पेमेंट करते हैं और उसके बाद आपको किसी सर्विस या प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की परमिशन मिलती है। कहने का मतलब यह है कि आप पहले पैसा देंगे और उसके बाद आपको सर्विस या प्रोडक्ट दिया जाएगा और आप उसे इस्तेमाल करेंगे। वही पोस्टपेड में क्या होता है, पोस्टपेड में ठीक इसका उलट होता है, ठीक इसका अपोजिट होता है। यहाँ पहले आप प्रोडक्ट और सर्विस जो कुछ भी है उसका आप इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आप पेमेंट करते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद या जो भी तय हुआ है उस समय, उसके बाद आप पेमेंट करते हैं। अगर हम प्रीपेड के एग्जाम्पल की बात करें तो गैस सिलेंडर, आपके घरों में जो गैस सिलेंडर आता है ये कहीं ना कहीं प्रीपेड का एग्जाम्पल है। आप पहले पेमेंट करते हैं, वो गैस सिलेंडर आपको दिया जाता है, उसके बाद आप उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर दूसरा हम बात करें तो मोबाइल में रिचार्ज जो होते हैं, जो आप रिचार्ज करवाते हैं मोबाइल में, या आप DTH में कोई रिचार्ज करवाते हैं, ये प्रीपेड के एग्जाम्पल्स हैं। अगर मैं पोस्टपेड की बात करूँ तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी पहले आप इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आपको उसका बिल आता है और आप उसका पेमेंट करते हैं। तो ये पोस्टपेड और प्रीपेड में फ़र्क होता है, ये इनके एग्जाम्पल होते हैं। अगर मैं बात करूँ पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी की, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ करने की कोशिश करता हूँ कि मैं पोस्टपेड की जगह इसे अगर पोस्ट डिलीवरी कर दूँ, पोस्टपेड जो वर्ड हम यूज़ कर रहे थे इसको अगर मैं पोस्ट डिलीवरी लिख दूँ तो इसका क्या मतलब हो गया? यहाँ पे इसका साफ साफ मतलब है कि डिलीवरी करने के बाद, मैं डिलीवरी कर चुका हूँ, मैंने प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो दे दिया है, अब उसके बाद क्या, उसके बाद की एक्टिविटी। यानी डिलीवरी कर दी आपने प्रोडक्ट की या सर्विस की और उसके बाद क्या एक्टिविटी परफॉर्म की जा सकती है या की जाती है या की जानी चाहिए, उनके बारे में ये क्लॉज आपसे बात करता है। इस चीज़ को समझिए। मान लीजिए मैं गाड़ी बेचने वाला हूँ, मेरा एक शोरूम है, मैं गाड़ियाँ बेचता हूँ। अब आप मेरे पास आए, आपने मुझसे एक गाड़ी खरीदी, आपने मुझसे जो बाइक है सपोज़ वो परचेस की, मैंने आपको बाइक की डिलीवरी कर दी, आप मुझसे बाइक ले गए, आप नई की नई बाइक ले गए। अब मैंने यहाँ पर आपसे ये कहा कि इनकेस यदि किसी तरह की इसकी बैटरी में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अगर इसकी बैटरी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है एक साल के भीतर,
तो हम आपको इसे चेंज करके देंगे, आपको नई बैटरी लगाकर देंगे, इस चीज की हम आपको वारंटी दे रहे हैं। तो डिलीवरी हो गई है और उसके बाद एक एक्टिविटी परफॉर्म करने की हम बात करते हैं जिसे हम वारंटी कहते हैं। हम ये कहते हैं कि हमने भले ही आपको गाड़ी दे दी है, लेकिन यदि उसकी बैटरी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उस बैटरी को चेंज करके आपको नई बैटरी देंगे। तो ये जो एक्टिविटी है ये पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी कहलाती है। इसी तरह मान लीजिए कभी कोई उसमें सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है, हम उसमें उसे ये एग्रीमेंट दे सकते हैं कि हम आपको 3 साल तक, 3 ईयर तक फ्री सर्विस देंगे, जो भी सर्विस होगी वो फ्री होगी 3 साल तक। उस एग्रीमेंट हमने साइन किया उस समय, एक एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट भी जो है कहीं ना कहीं पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी में आता है। किसी तरह की आपने एग्रीमेंट साइन कर दिया कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है या नहीं भी आती है तब भी हम 3 साल तक आपको फ्री सर्विस देंगे। तो ये भी एक्टिविटी पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी कहलाती है। इसके अलावा ये हो सकता है, मान लीजिए कि मैंने अपने घर पर डीटीएच का कनेक्शन करवाया, डीटीएच का आपने कनेक्शन करवाया, मैंने मेरे घर पर डीटीएच का कनेक्शन करवाया। जब वो बंदा आया तो मैंने कहा आप तो नॉर्मल पैकेज दे दीजिए, क्योंकि मैं कोई ज़्यादा बड़ा पैकेज लेना नहीं चाहता, जो सिंपल पैकेज है आप वो मुझे बस वो दे दीजिए। उसने कहा ठीक है, अब डिलीवरी मैं ले चुका हूँ, वो सर्विस में लेना मैंने शुरू कर दी है। इसी बीच में मान लीजिए वर्ल्ड कप शुरू हो गया, क्रिकेट शुरू हो गया, तो मैंने उस बंदे से कहा मेरे इसमें आप जो स्पोर्ट्स के चैनल है वो भी स्टार्ट कर दें, स्पोर्ट्स चैनल जो है वो स्टार्ट कर दें। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती हैं ये भी पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी में आती है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट आई इसलिए डिलीवरी होने के बाद भी कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ी। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट पर भी कई दफ़ा पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। ये भी हो सकता है कि कस्टमर का आपको कभी फीडबैक मिले और वो बताए कि आपकी सर्विसेज में कोई दम नहीं है, कोई काम की आपकी सर्विसेज नहीं है, तो आपसे वो फिर कहता है कि आप आओ और इसको थोड़ा सा ठीक करो। तो कस्टमर फीडबैक भी एक ऐसा पैरामीटर, एक तरीका है जिसके जरिए आप पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से आप पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, आपको परफॉर्म करना पड़ती है। तो ये भी पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज में आता है। इसके अलावा ये हो सकता है कि कोई लीगल ऑब्लिगेशंस आ जाए, कोई लीगल चीज़ आ जाए। मान लीजिए कोई गाड़ी बनाई गई, सपोज़ अब वो गाड़ी आपने डिलीवरी भी कर दी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, आपने गाड़ी डिलीवर कर दी, आपने गाड़ी कस्टमर को दे दी। अब कुछ समय बाद मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक नया रूल निकाल दिया कि उस कैटेगरी की जो गाड़ियाँ थी उन्हें बंद कर दिया गया और गवर्नमेंट ने कहा कि ये सब वापस कर लीजिए, ये सब वापस होनी चाहिए, ये नहीं चलेंगे सड़क पर, क्योंकि इनकी वजह से पॉल्यूशन हो सकता होता है, प्रदूषण होता है, बहुत प्रदूषण फैला रही है। सरकार ने उन गाड़ियों को बंद कर दिया, उनके ऊपर लीगली बैन लगा दिया गया। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको फिर से उन गाड़ियों को वापस लेना पड़ेगा। या ये हो सकता है कि उसमें जिस चीज़ को लेकर इशू है उसे आप रिप्लेस कर दें, उसके इंजन को लेकर अगर कोई इशू है जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने कोई उसमें चेंजेस करने की बात कही हो तो आपको वहाँ पर फिर एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ेगी और ये एक्टिविटी भी पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी कहलाएगी। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। इसके अलावा एक सप्लीमेंट्री सर्विसेज भी पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज़ में आते हैं, सप्लीमेंट्री। अब आप सप्लीमेंट्री एक्टिविटीज़ को समझिए, सप्लीमेंट्री एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। मान लीजिए आप किसी होटल में या रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आपने खाना खा लिया, आपने बिल वगैरह सब पेमेंट कर दिया, इसके बाद होटल का स्टाफ आता है और आपको कुछ स्वीट्स देता है, तो ये जो उसने स्वीट्स आपको दिए ये सप्लीमेंट्री सर्विस की तौर पे दिया, तो ये भी कहीं ना कहीं पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटी कहलाएगा। या ये हो सकता है कि वो आपसे कहता है कि सर आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, आप अक्सर हमारे यहाँ आते हैं, तो अगली बार जब आएंगे तो वो आपको फ्री रहेगा, सप्लीमेंट्री सर्विस उसने आपको दी। तो ये जो एक्टिविटीज़ है ये भी पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। तो स्टैंडर्ड इन क्लॉज के जरिए आपसे ये कह रहा है कि आपको ऐसी कोई भी एक्टिविटी अगर आप कर रहे हैं तो उनको मेंशन करना है, उनका आपको ध्यान रखना है। तो आज हमने इन दो टॉपिक को समझा और आज का वीडियो हम यही कंक्लूड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है प्लीज़ उसे प्रेस करिए ताकि आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही, अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।